हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपने बात कर रहे हैं सबसे बड़ी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। इसको लेकर विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं और टेंशन में आ चुके हैं कि क्या एग्ज़ाम सही तिथि पर होगा या नहीं होगा, या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। उनको लेकर मैं आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, यही उचित रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं फ़िलहाल आरपीएससी की साइट पे हूँ, ठीक है ना। इस साइट पे अभी तक आप देख लीजिए, इसमें कोई भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया एग्ज़ाम पोस्टपोन के लिए, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, इसको आप लेकर लगातार तैयारी में रखिए। दोस्तों एग्ज़ाम में पोस्टपोन कराने के लिए धरने ज़रूर लग रहे हैं, बट आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, यूट्यूब पे जहाँ पे थंबनेल यूट्यूब के वीडियो आते, थंबनेल लगी होती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन, एग्ज़ाम पोस्टपोन। आप भ्रमित होकर पढ़ते हुए कि आप पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन आता है, आप उसको ऑन करते हो, उसके बाद बोल रहे हैं कि मांग हो रही है, धरने पर इतने बैठे हो, वो हुआ। अरे धरने पर जो बैठे हैं वो बैठने रहने दो, उससे अगर एग्ज़ाम आगे होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो आप अपनी तैयारी में रेगुलर रखिए। अगर एग्ज़ाम आगे होने के चक्कर में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, तो ऐसा समझो आप अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। तो आप दोस्तों जैसे भी न्यूज़ है, अगर एग्ज़ाम आगे होगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, भी व्हाट्सएप के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से, कहीं से आप और टीवी चैनल न्यूज़ पेपरों में आ जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और आपको मालूम ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और इसके जो मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो देखे, हज़ारों वीडियो ऐसे आ रहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम पोस्टपोन, अरे कहाँ हुआ है पोस्टपोन, ये फर्जी क्यों बना रहे हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन कहाँ हुआ है, ये सब अपने मतलब से वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों जो भी, हाँ ठीक है, धरना हो रहा है, कोई भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा होगा अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जिन्होंने फ़िलहाल फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनके लिए तो एग्ज़ाम आगे हो या ना हो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वही फर्क पड़ता है क्योंकि उन्होंने तैयारी कर रखी है। एग्ज़ाम बाई चांस आगे हो जाता है तो पहले तैयारी कर रहे थे उन विद्यार्थियों पर फर्क पड़ेगा, फर्क उन पे पड़ेगा। जो नए विद्यार्थी हैं उनको मौका मिलेगा तैयारी करने का, अच्छा अगर एग्ज़ाम आगे होता है तो। लेकिन आप इन पर कुछ मत ध्यान दीजिए, आप नए हो या पुराने समय से जब पहले फॉर्म फिलअप किया हो या अब किया हो, आप दोनों कैटेगरियों के विद्यार्थियों से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए, जब भी एग्ज़ाम होगा बेहतर है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, करने वाले कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जहाँ तक है कि संभावना बहुत कम है होने की, बाकी आप देख सकते हो। और जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और पास में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तो मेरे चैनल पे जो वीडियो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, आप नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो समय वेस्ट नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।